दोस्तों आज की कहानी है सासुमा मेरे मायके से आई हुई साड़ी ननद जी को नहीं दूंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू दे दे ये साड़ी अपनी ननद को। ये ननद का हक होता है कि वह अपनी भाभी के बक्से में से अपनी पसंद का सामान ले ले, और भाभी का फर्ज होता है कि वो अपनी ननद को उसका पसंदीदा सामान दे। गीतिका जी ने अपनी नई नवेली बहू शिखा से कहा, हाँ मम्मी जी, इसलिए मैंने ये एक और बहुत सुंदर साड़ी बक्से में रखी है। ये साड़ी तो मेरी बुआ ने दी है, सिक्का ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तो यही साड़ी चाहिए। ननद रूही भी अड़ गई। गीतिका जी के बेटे अंचुल की शादी सिक्का से हुई है। दुल्हन के घर आने के बाद सारी में पूरी कराई जा रही है। उन्हीं रस्मों में एक रस्म थी बहू का बक्सा खुलाई। खैर आजकल बक्से तो होते नहीं, हाँ बहू की अटेसी जरूर खोली गई और उसकी एक साड़ी ननद रूही को पसंद आ गई। शादी के बाद ससुराल में पहला दिन दुल्हन जहादा बोल भी नहीं सकती, वरना ये साबित हो जाएगा कि दुल्हन बहुत बोलती है। लेकिन बुआ की निशानी भी कैसे दे, सिक्का को समझ नहीं आ रहा था। अगर आज सासुमा की बात मानकर ये साड़ी ननद को दे देती है तो कल ना जाने इनकी कौन सी बात माननी पड़े। सिक्का को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतनी देर में रूही साड़ी लेकर जाने लगी। सिक्का जैसे अपनी सोच से बाहर आई, वह बोली, मम्मी जी, मेरे पापा ने आपकी मन पसंद दहेज दिया है। अब मैं अपने सामान और कपड़ों के साथ समझौता नहीं करूंगी। जो कपड़े मैंने अपनी पसंद से खरीदे हैं या जो उपहार मेरे रिश्तेदारों ने दिए हैं, अगर मेरा मन होता तो मैं आपको दूंगी वरना नहीं। अगर दीदी को मेरी साड़ी कभी किसी फंक्शन पर पहननी हो तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना सामान किसी और को नहीं दे सकती। सिक्का की बात सुनकर गीतिका जी उसका मुंह देखती रह गई। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उस पर रूही बोली कि मम्मी भाभी तो अभी से मुझे अपने सामान की दांच दिखा रही है। मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी। मुझे नहीं पता था कि भाई की शादी में मेरा इतना अपमान होगा, वरना मैं तो आती ही नहीं। रूही की बात सुनकर गीतिका जी गुस्से से बोली, बहू संभल कर बोलो, आज ही तो तुम विदा होकर इस घर में आई हो और आज ही ये तेवर अभी तुम्हारे।
पापा से बात करती हूँ। मम्मी जी, मैंने किसी का कोई अपमान नहीं किया, ना ही मैंने बदतमीजी से बात की है। मेरे पापा ने आप सब की मन पसंद कपड़े पहले ही दे दिए हैं और 20 लाख रुपये नगद दिया है दहेज में। सब के लिए सोने की सेन और अंगूठी भी है और घूमने के लिए 20 लाख की गाड़ी भी दी है। फिर मेरे सामान पर नजर क्यों रखनी है? आपको जो भी नेग करना है दहेज के पैसों से कीजिए। मैं अपने पास से अब फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। तभी कमरे में गीतिका जी की ननद आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। वह बोली, भाभी तुमने तो कहा था कि हमने दहेज में कुछ नहीं लिए और गाड़ी भी अंचुल ने अपने पैसों से खरीदी है। ननद के सामने अपना झूठ खुलते देख गीतिका जी इधर उधर देखने लगी। बोली, देखो ना दीदी, ये बहू किस तरह बात कर रही है। ना कोई शर्म ना लिहाज, भाभी बहू की कोई गलती नहीं है। आपने इतना दहेज लिया है, उसके बाद भी बहू सारी रस्में पूरी कर रही है, फिर भी आपका लालच पूरा नहीं हो रहा। बहू के भी अपने कुछ अरमान होंगे। किसने कहा था इतना दहेज मांगने को? इतना दहेज देने वाले बाप की बेटी चार बात नहीं सुनेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। जब रूही की शादी हुई तब तो आप दहेज के इतने खिलाफ थी और अपने बेटे की शादी में दहेज के लिए अपने उसूल बेच दिए। उस पर भी इस बच्ची के साथ तेवर दिखाना सह रही हो। अभी गीतिका जी ननद उन्हें ये सब कह रही थी। तभी कमरे में अंचुल आया और बोला, बुआ जी, मैंने मम्मी से बहुत मना किया कि मेरी शादी में मेरी कीमत मत लगाओ, लेकिन नहीं मानी। भाभी, मुझे नहीं पता कि सिक्का बहू के अंदर कितने संस्कार हैं, लेकिन दहेज लेने वाले को अपनी जुबान बांध रखनी पड़ती है। जो लड़की इतना दहेज लेकर आई है वो क्यों सुनेगी? किसने कहा था दहेज वाली लड़की लाने को? अगर अपना रुतबा बनाए रखना था तो बिना दहेज की लड़की लाती। वो आपकी स्यार बात सुनकर सलती। अब आपने अपना रुतबा खत्म करके अपने आप को भिखारी बना लिया है। और लाओ दहेज वाली बहू। ननद की बात सुनकर गीतिका जी को अपनी गलती समझ आ गई। वह सुप साप कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अपना सम्मान वो अपने आप खो चुकी थी। रूही भी साड़ी वहीं छोड़कर अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। इधर सिक्का ने वो साड़ी बुआ जी को देखकर उनके पैर छुए और बोली, मुझे माफ करना बुआ जी, लेकिन अगर
मैं आज अपनी मन पसंद साड़ी दीदी को दे देती तो ना जाने कल फिर किस चीज पर अपना अधिकार जमाती। ये साड़ी आप रखिए इस रस्म पर तो आपका भी हक बनता है। कोई नहीं बहू तुम अपनी जगह सही है बड़ों का सम्मान करना लेकिन अपना आत्म सम्मान मत खोना। कह कर बुआ जी कमरे से बाहर आ गई। दोस्तों आज भी हमारे समाज में दहेज की प्रथा खत्म नहीं हुई है। कुछ लड़के वाले अपने बेटे की शादी में जैसे लड़की वालों का पूरा निचोड़ लेना चाहते हैं फिर भी उनका लालच खत्म नहीं होता। और जो पिता अपनी बेटी को इतना दहेज दे रहा है उसकी बेटी ससुराल मैं क्यों सुनेगी। समय बदल गया है बहुओं को सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा वरना बहू को भी पता है उसके पिता ने उसके लिए दूल्हा खरीदा है तो उसका पूरा हक है बोलने का।